हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण की हम बात कर रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। यहाँ पर इसी के साथ हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ये हमने देखा कि भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं। हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन, जिसमें डाइजेशन में हमने इंट्रोडक्शन देखा था डाइजेशन का। ठीक है, क्या क्या चीजें देखी हैं डाइजेशन में, क्या समझा आपने डाइजेशन में? डाइजेशन में हमने सबसे पहले बात की थी कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन में हो क्या रहा है, जिसमें हमने कहा था जो सरल भोज्य पदार्थ है, हमने कहा था जो सरल भोज्य पदार्थ है, जो जटिल भोज्य पदार्थ होंगे, ठीक है, जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होते हैं। इतनी बात हमने की थी। अब हमने कहा था जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीजें काम कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो फिजिकल मेथड और एक केमिकल मेथड की हमने बात की थी। ठीक है, हमने कहा था सबसे पहले क्या होगा, भौतिक विधि आएगी, और दूसरा हमने कहा रासायनिक विधि आएगी। भौतिक विधि में आप क्या कहते हैं, चबाना, भोजन को काटना, चबाना या पीसना हम कहते हैं भौतिक विधि में आता है, जिसमें आप देखते हैं कि जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। रासायनिक विधि में आप बात करते हैं पाचक रसों की, आप बात करते हैं यहाँ पर पाचक रस की, पाचक रस आपके पास अलग अलग यहाँ पर एग्जाम्पल आते हैं। तो ये तो हमने बात की थी कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने चरण होते हैं या कितने स्टेप्स होते हैं। हमने कहा दो स्टेप यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, जिसमें हमने अलग अलग पार्ट्स की बात की थी। हमने कहा था कौन कौन से पार्ट्स हमने यहाँ पे लिखे थे, हमने बात की थी मुख गुहा की, हमने बात की थी भोजन नली की, हमने बात की थी आमाशय की, हमने बात की थी छोटी आंत की एंड बड़ी आंत, और उसके बाद एनस, मलद्वार भी हम कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमने बात की थी, और मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बना करके लेके आना है, ताकि आप क्या कर सके, यहाँ पे और अच्छे से समझ सके। अगर हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, अगर आप सिंपल वे में डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसमें आपके सारे पार्ट्स भी आ जाते हैं और आपको समझ भी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है, बहुत इजी डायग्राम है। इसी को आपने कैसे बनाया, ये आपकी भोजन नली आती है इस प्रकार से, ये आपका स्टमक आता है, स्टमक कनेक्टेड हुआ किससे, छोटी आंत से, किस प्रकार से छोटी आंत से कनेक्टेड होगा, और छोटी आंत कनेक्टेड होती है किससे, बड़ी आंत से। देखिए विजिबल है, ठीक है। इसके साथ हमने कहा एक हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर आता है, यहां पर, ठीक है,
और लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अलावा एक और स्ट्रक्चर हमारे पास आता है इस प्रकार से, ये वाला। अब आप इसे क्या कर लेंगे, अब आप अलग अलग पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपनी कॉपी में क्या बनाते हैं साइंस की, अगर नोटबुक है आपके पास और आप नोटबुक में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी सिस्टम आप बना रहे होते हैं, तो आपको करना है कि ऐसे ही कलरफुल डायग्राम बनाना है। कलरफुल डायग्राम से होता क्या है, एक तो आपका जो डायग्राम है वो अट्रैक्टिव दिखता है, दूसरा आपको चीजें याद रहती हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने अलग अलग कलर से यहाँ पर क्या किया है पार्ट्स को दिखाया है, वैसे ही क्या होगा, अब आपको कलर से वो याद भी रह जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि हमने येलो कलर अगर किया है तो वो कहाँ पर किया है, लार्ज इंटेस्टाइन में किया है, और रेड कलर जो हम कर रहे हैं वो हम किस में कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक इनका कलर यही हो सकता है, इनका कलर और भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉइल रहती है, यहाँ पर हमने लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा कॉइल नहीं बनाई है, लेकिन वैसे जो इंटेस्टाइन होती है बहुत ज्यादा कॉइल रहती है। अब यहाँ पर अगर इस डायग्राम की बात करें तो हम इस कलर से दिखा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कलर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो ये आता है। चलिए स्टमक को हम ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा देते हैं। और ये आपका क्या है, फूड पाइप है। ठीक है, ये पार्ट आपको याद रखने हैं। आप देखिए इन पार्ट्स के आपको अलग अलग कलर से हमने यहाँ पर क्या किए हैं, इन पार्ट्स को यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। आपके पास अलग अलग कलर में अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर आए हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, इजिली इन्हें ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब आपको फटाफट से क्या कर लेनी है, लेबलिंग कर लेनी है इन सारे पार्ट्स की। सबसे पहले हमारे पास ये जो पोर्शन आता है, नली जैसी संरचना है, इसे आप क्या कहते हैं, फूड पाइप या इसोफेगस, या इसे कहते हैं भोजन नली, ठीक है। आपके सामने एक और डायग्राम है, आप दोनों डायग्राम को रिलेट करेंगे। सेकेंड जो पार्ट आपके पास आता है, इसे आप क्या कहते हैं, स्टमक। इस स्टमक को आप कहते हैं आमाशय, ठीक है। इस पत्ती जैसी संरचना को आप कहते हैं पैनक्रियाज, और इसे आप क्या कहते हैं, अग्नाशय भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपने कहा ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या किया है, रेड कलर से जो ट्यूब जैसी संरचना हमें दिखाई दी है, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपने होमवर्क किया है और आपने ये डायग्राम बनाया है तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे सीक्वेंस है भोजन वैसे वैसे ही जाता है, सीक्वेंस
जो हमने बनाया है वैसे वैसे भोजन जाता है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत। ठीक है, ये वाला भाग है लीवर, जिसे आप कहते हैं यकृत। ठीक है, यहीं पर एक और भाग होता है जिसे आप गॉल ब्लैडर या पित्ताशय कहते हैं। अब आपको ये देखना है, आप इनके सीक्वेंस में बता देते हो कौन सा सीक्वेंस आपके पास आएगा। इससे पहले आपका क्या आएगा, माउथ वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, ये माउथ वाला पोर्शन आप समझ रहे हैं कि ये कैसा होगा, ये मुख वाला पोर्शन है। अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या है, मुख है, यानी कि माउथ है। सबसे पहले क्या होगा, मुख आएगा, सबसे पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट आपके पास आता है फूड पाइप। ठीक है, तीसरा आपके पास आता है स्टमक, चौथा आपके पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और पांचवा भाग आपके पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आप सोचेंगे कि पैनक्रियाज और लीवर को हमने नहीं दिखाया है, क्योंकि ये क्या है, ग्लैंड है, ग्रंथियां हैं, इसीलिए हमें हमने क्या किया, इन्हें नहीं यहाँ पर शो किया है। चलिए, आप सबसे पहले एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इनकी जो यहाँ पर नंबरिंग है, यानी कि इनका सीक्वेंस है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने इनका सीक्वेंस दिखाया है, भोजन वैसे ही पास होता है। मुख से कहाँ जाएगा, इसोफिगस यानी कि भोजन नली में, भोजन नली से कहाँ जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा, आपके स्टमक से कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से कहाँ जाएगा, आपने कहा बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में एनस के द्वारा जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसे शरीर से क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है इतनी बातें, एक बार आप अपने डायग्राम को देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, डाइजेशन के जो प्रोसेस है उसे एक एक करके जानेंगे। इसी के साथ आपने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, चलिए हमने दो भागों के बारे में यहाँ पे अभी बात नहीं की है जो कि आपको डायग्राम में प्रदर्शित है। आपको टोटल पढ़ने हैं तीन भाग, और तीन भागों में आप बात करेंगे किसी ग्लैंड यानी कि ग्रंथियों की। ठीक है, हम बात करेंगे ग्रंथियों की। एक ग्रंथि आपके मुख में होती है जो आपको यहाँ पर नहीं बता रखी है। ठीक है, एक ग्रंथि जो होगी वो कहीं यहाँ पर होती है। ठीक है, और एक ग्रंथि आपके कुछ यहाँ पर होती है, और एक ग्रंथि आपके कुछ यहाँ पर होती है। ये आपके मुख वाला पोर्शन है। ठीक है, मुख वाले पोर्शन में हम कह रहे हैं कहाँ कहाँ पे होगी, हम अभी बात करेंगे इसके बारे में प्रकार से, कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं लीवर के बारे में। जैसे ये लीवर आपको ग्लैंड बता रही है कहाँ पर है, स्टमक के सामने लीवर है, और पैनक्रियाज जिसे आप अग्नाशय कह रहे हैं कहाँ पे, स्टमक के नीचे है। स्टमक के नीचे क्या है, पैनक्रियाज है, और स्टमक के सामने है, इसके अपोजिट साइड में क्या है, लीवर यहाँ पर होता है। एक बार डायग्राम को देखिए, इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं डाइजेशन को। ठीक है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। अगर आपने इतनी बातें समझ ली है, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, अब हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पर, अब हमारे पास क्या आते हैं, जब डाइजेशन होता है तो उसके अलग अलग पार्ट आते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि इसके चार या पांच चरण होते हैं, पहले में ये होगा, दूसरे में ये होगा। तो देखते हैं कि डाइजेशन सिर्फ इतना नहीं है कि आपने खाना खाया और आपको उस भोजन से ऊर्जा मिल गई, उससे आगे की प्रोसेस भी डाइजेशन में आती है। जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर, आपने बोला द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। आपने कहा कि जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन को अगर हम देखें कि कंप्लीट जो प्रोसेस होती है तो उसमें अलग अलग चरण होते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है डाइजेशन। आपने कहा शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब जिसे आप कहते हैं कि मैंने खाना खाया, ठीक है, हम कहते हैं कि मैंने खाना खाया, उसे क्या कहते हैं हम उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। जैसे कि आपने एक बाइट लिया और अपने मुंह में डाला, उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं या उसे इंजेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या हुआ इंजेशन। नेक्स्ट हमने बोला द प्रोसेस बाय विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस
is broken down in the small water soluble substances is called digestion. अब डाइजेशन क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बड़े अघुलनशील पदार्थ वाले भोजन को या भोज्य पदार्थों को छोटे पानी में घुलनशील पदार्थों में तोड़ा जाता है, वो पाचन कहलाता है। ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है पाचन की, लेकिन पाचन कंप्लीट कब होता है? जब सारे स्टेप फॉलो होते हैं, इंजेशन हो गया है, डाइजेशन हो गया है, इसके बाद आप बात करेंगे कि किसकी एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हमने बोला सबसे पहले अंतर्ग्रहण होगा, इंजेशन होगा, जिसमें आप भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि पाचन तभी तो होगा जब आप क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, तो आपने इंजेशन किया। सेकेंड हमने कहा कि दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है यहाँ पे डाइजेशन का, पाचन का। पाचन में जो होते हैं वो जटिल जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होते हैं। आपको कहा गया है कि पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील का मतलब है कि वो इतने सरल हो गए हैं कि वो पानी में आसानी से घुल सकते हैं, क्योंकि पानी में घुल सकते हैं तो अब हमारे शरीर के द्वारा उन्हें जो पाचित भोजन है उसे एब्जॉर्ब यानी कि उसे अवशोषित किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि पानी में घुल सकते हैं तो हमने कहा हमारे रक्त में भी घुल सकते हैं, क्योंकि जो पाचित भोजन है उसे एक जगह से दूसरी जगह हमारे रक्त के द्वारा ही ले जाया जाता है, क्योंकि भोजन का जो पाचन है वो सिर्फ पाचन तंत्र में हो रहा है, भोजन का जो अवशोषण है, जो पाचित भोजन है, वो सिर्फ एक अंग में हो रहा है और वहीं से सारे पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बोला, देयर आर टू मेथड्स ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज फिजिकल मेथड इंक्लूडिंग च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड इन माउथ एंड केमिकल मेथड एडिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस टू द बॉडी बाय टू द फूड बाय द बॉडी इटसेल्फ। हमने बोला कि भोजन को पचाने की दो विधियां हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। हमने कहा कि भौतिक विधि है जिसमें भोजन को मुख में चबाना और पीसना शामिल है, और रासायनिक विधि है जिसमें शरीर द्वारा भोजन में पाचक रसों को मिलाना है। दो शब्द पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, स्टार मैं कर रही हूँ, आपके पास डेफिनेशन आ सकती है, क्या होता है इंजेशन या अंतर्ग्रहण क्या होता है, और पाचन या फिर डाइजेशन किसे हम कहते हैं। दोनों शब्दों को समझिए एक बार, हमारे पास दो और यहाँ पर क्या आएंगे, स्टेप्स आते हैं। चलिए अब हमने बात कर ली है इंजेशन और डाइजेशन की, हमारे पास नेक्स्ट दो और शब्द आते हैं जिसमें हम एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की बात करते हैं। द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या हुआ, पहले आपने भोजन को खाया जिसे आप अंतर्ग्रहण कह रहे थे या इंजेशन कह रहे थे, फिर सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ, उसके बाद पाचन के बाद क्या हुआ, आपके पास पाचित भोजन आ गया, भोजन का पाचन हुआ, भोजन सरल रूप में आ गया है, इस रूप में कि हमारा जो शरीर है अब उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको कहा गया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं में ले जाया जाता है, देखिए जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का जो पार्ट होगा वो ये है, ठीक है, वो ये है, एब्जॉर्प्शन का पार्ट ये है। हमने बोला एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन आंतों की दीवारों में रक्त प्रवाह में गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तीसरी प्रोसेस आपके पास क्या आ गई है, एब्जॉर्प्शन आ गई है। एक बार फिर से क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, हमने कहा पाचन हो गया है, पाचन के बाद पाचित भोजन का हमने क्या कर लिया है, अवशोषण कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अवशोषण कहाँ हुआ, पाचन हमारे शरीर में ही हो रहा था। जब आप पाचन को पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आपको समझ में, आपको ये पांच जो शब्द है, पांच शब्दों को समझना होगा, इन पांच शब्दों में क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एसिमिलेशन, जिसे आप स्वांगीकरण कहते हैं, वो आता है। इसमें हमने क्या कहा था, प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर
इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन अवशोषित, जो भोजन है जिसका अवशोषण हो गया है, शरीर की कोशिकाओं में ले जाया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाएगा, आपके ऑर्गन्स में, आपके टिश्यू में, अलग अलग सेल्स में भेजा जाता है, जिसे कि ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाता है। इसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। डाइजेशन एसिमिलेशन में डिफरेंस है, या एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन में डिफरेंस है, ठीक है, समझे। और लास्ट पार्ट आप जानते हैं, लास्ट पार्ट में क्या हुआ, द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इंजेशन और इजेशन में आप क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पचित भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उसे बहिक्षेपण कहते हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, हमने कहा हमारे पास पाच ही पूरा पाचन है, ठीक है, आपने भोजन को ग्रहण किया और अब भोजन से जो ऊर्जा मिली उसका उपयोग किया गया, ये पूरा डाइजेशन में आता है। हमने कहा पांच अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, सबसे पहले इंजेशन है, ठीक है, इजेशन नहीं है, इंजेशन है, एन है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपने अंतर ग्रहण किया, भोजन को आपने ग्रहण किया, पहली चीज आपने क्या किया है, भोजन ग्रहण किया है। जैसे आपने भोजन ग्रहण किया, वहां पर भौतिक विधि और रासायनिक विधि यानी कि फिजिकल और केमिकल मेथड्स के द्वारा जो भोजन है उसे बहुत सरल रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो आपने कहा कि दूसरे में भोजन का क्या हो गया है, पाचन। दूसरे में भोजन का क्या हो गया है, पाचन हो गया है। अब भोजन इतने सरल रूप में है कि हमारा जो रक्त है, हमारे रक्त में वो जो भोजन है वो घुलनशील है, वो घुल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉकेज वहां पर कर देगा। हमने कहा भोजन का पाचन हो गया। पाचन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तीसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन पढ़ा था यानी कि अवशोषण पढ़ा था। अब हमने कहा तीसरे पार्ट में पाचित भोजन का अवशोषण, अवशोषण समझते हैं आप लोग क्या होता है अवशोषण। जैसे कि हमने कहा आप लोग इंक यूज करते होंगे स्कूल में, इंक गिर गई है, आपने कॉटन लिया, ठीक है, या आपने क्या लिया, स्पंज लिया, ठीक है, कॉटन तो आपने सभी ने देखा होगा, और आपने कॉटन को वहां पर रख दिया। कॉटन क्या करता है, उस इंक को सोख देता है। सोख का मतलब होता है कि क्या करना, शक करना, खींचना। तो हमने कहा अवशोषण का मतलब है जो पाचित भोजन है वो क्या हुआ, उसका अवशोषण हुआ, किसके द्वारा, हमारे रक्त के द्वारा, हमारे रक्त ने उसको क्या कर दिया है, सोख दिया है या अवशोषित कर दिया है। पाचित भोजन का क्या हो गया है, अवशोषण हो गया है। अवशोषण जब होगा तो अब क्या होगा, यहाँ पर अवशोषण आ गया, अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को आप कैसे समझेंगे, हमने कहा पाचित भोजन का, पाचित भोजन का शरीर के द्वारा उपयोग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो वहां पे भोजन का पाचन हो गया है, हमारे रक्त ने उसे क्या कर लिया है, अवशोषण उसका कर लिया, अवशोषित उसे कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। अब रक्त क्या करेगा, इस पाचित भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहां पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, तो छोटी आंत आपने देखी है, आपने कहा छोटी आंत में क्या होगा, भोजन का पाचन भी होगा और यहीं पर क्या होगा, अवशोषण भी होता है, यहीं पर पाचन भी होता है, यहीं पर अवशोषण भी होता है। कहाँ पर, छोटी आंत में, ध्यान दीजिए हमारी छोटी आंत में पाचन भी हुआ है, अवशोषण भी हुआ है, लेकिन पाचित भोजन को हमें सारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करना है, सारे बॉडी पार्ट्स में। तो सारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कैसे करेंगे, हमने कहा यहाँ पर क्या होगा, हमारा रक्त भी होगा, क्योंकि रक्त हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में है, ठीक है, यहाँ पे रक्त होगा। छोटी आंत में जो पाचित भोजन था वहां से रक्त ने क्या किया, उस पाचित भोजन को अवशोषित कर लिया है। अब रक्त के माध्यम से ये सारे पार्ट्स को, न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को बल्कि आपके सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करेगा, पाचित भोजन को पहुंचाता है। और उसके बाद क्या होगा, उस पाचित भोजन का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग होगा, जैसे कि हम
हर काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता हमें है। ये ऊर्जा कहाँ से आई? हमने कहा कि जब भोजन का पाचन हुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जब पाचित भोजन का क्या हुआ, अवशोषण हुआ, उसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाया गया, तो हमने उस पाचित भोजन का क्या किया, उपयोग किया। कैसे कि हम हर एक काम में हम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी एनर्जी का यूज कर रही हूँ, ठीक है, मैं चल रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, मैं सो रही हूँ, खा रही हूँ, काम कर रही हूँ, हर एक काम में हम क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। क्या कहलाती है ये प्रोसेस? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाती है, ठीक है। और लास्ट हमने क्या बोला, लास्ट हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि जितना भोजन हमने ग्रहण किया उस सारे भोजन से हमें ऊर्जा ही मिली। कुछ पार्ट ऐसा होता है भोजन का जो हमारे किसी भी काम का नहीं होता है, यानी हमारे लिए वो अपशिष्ट होगा। अपशिष्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मटेरियल। एक्स्ट्रा मटेरियल अगर हमारी बॉडी में रह जाए तो हमारे टॉक्सिक हो जाते हैं, उसे अपने शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, जिसे आप क्या कहते हैं पांचवें पार्ट में, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। अब आपको ये पांचों पार्ट समझ में आ गए होंगे कि पांचों पार्ट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पांचों पार्ट में क्या क्या चीजें हो रही हैं। हमें अभी डाइजेशन को समझना है, जब आपने भोजन ग्रहण किया और जब तक आपने भोजन को आपके शरीर में क्या, वो अवशोषण हुआ, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इंजेशन हमने पढ़ना है, आपने पढ़ भी लिया है भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके, हमें डाइजेशन पढ़ना है, हमें एब्जॉर्प्शन भी पढ़ना है। एसिमिलेशन आपको अभी नहीं बताया गया है कि एसिमिलेशन किस प्रकार से होता है, या एसिमिलेशन के बाद क्या क्या चीजें होती है, आपको जनरल तो आपको समझ आया। एसिमिलेशन या स्वांगीकरण में हम क्या कर रहे हैं, उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उत्सर्जन भी आपको नहीं पढ़ना है, बहिक्षेपण यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, उत्सर्जन या इजेशन आप कहते हैं, इजेशन भी आपको अभी नहीं पढ़ना है, इजेशन आप पढ़ते हैं, सेपरेट टॉपिक आपके पास आता है उत्सर्जन तंत्र। सारे पॉइंट्स को आप देखिए, पांचों जो पॉइंट्स हैं उनकी डेफिनेशन आपको नोट करनी है यहाँ पर, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अब डाइजेशन को। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास अब टॉपिक आएगा, हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी कि मानव पाचन तंत्र की। अब मानव पाचन तंत्र आपने पढ़ लिया है, कैसे पढ़ा है, आपने अलग अलग पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अब आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो वहां पर क्या होता है भोजन के साथ, जब हमारा भोजन स्टमक में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है, तब भोजन के साथ क्या होता है, यानी कि भोजन का पाचन किस किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे माउथ एंड बकल कैविटी, मुख और मुख गुहा में कैसे होता है। टीथ के बारे में पढ़ेंगे, जो दांत होते हैं हमारे, वो चार प्रकार के दांत होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे दांत होते हैं। आप देखेंगे हमारे दांतों का शेप भी अलग अलग होता है, बीच के दांत अलग होते हैं, फिर साइड के अलग होते हैं, फिर आप जैसे जैसे पीछे जाएंगे आपको अलग अलग प्रकार के दांत मिलेंगे, इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मिल्क टीथ की, ठीक है, फिर हम टंग के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से हम पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। इससे पहले आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छे से क्या करना है, ड्रॉ करना है, और उसके हर एक पार्ट्स को आपको यहाँ पे समझना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।